है। और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बारिश आफत बनकर बरस रही है और इस आफत में सैकड़ों लोगों की जान फंसी हुई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, बदलापुर और उल्हासनगर में बारिश के बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने लोगों की दुश्वारियों को और बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के तलाई गांव में हुए भूस्खलन में 80 लोगों के मरने की आशंका है। फिलहाल कुदरत के इस कहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत नेवी और सेना की कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों को राज्य सरकार 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और बाढ़ साथ ही लैंडस्लाइड में मरने वाले लोगों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में बारिश का कोहरा, लैंडस्लाइड में बहा हाईवे, शहर बना समंदर, आसमान से बरसी आफत। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद मचे कोहराम की हकीकत खुद बयां कर रही हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, बदलापुर और उल्हासनगर समेत कई हिस्सों से आई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र में क्या हालात हैं। महाराष्ट्र का कोंकण इलाका बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कोंकण मंडल के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश की वजह से मार्ड इलाके में 3 जगह लैंडस्लाइड हो गया। मार्ड के तलाडे गांव में हुए भूस्खलन में 80 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई। कुदरत के कहर से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और भारतीय नौसेना टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसमे 80 से 85 लोगों के दबे होने की खबर है। फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन ठप कर दिया गया है, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा है। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये तड़िए गांव है, ये फलादपुर के हद में आता है, जहाँ पर ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये कल देर शाम लैंडस्लाइड हुई है और उसके बाद इस पूरे इलाके में जो रहने वाले लोग थे वो पूरी तरीके से दब गए। यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सब मलबे के साथ बह गया है। इसके अलावा रायगढ़ जिले में आसमान से बरसी आफत की वजह से हाईवे का 100 मीटर हिस्सा भी पानी की तेज धार में बह गया। मैं इस समय महाड़ से तड़ेगांव की तरफ बढ़ रहा हूं आगे। यहां पर कुछ दूर पर लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन उसके ठीक पहले यहां पे रोड धस गई है पूरी तरीके से। ये देखिए, हाईवे है, हाईवे आधा से ज्यादा हिस्सा पूरा धस चुका है, जिसके कारण आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। मिट्टी पूरी तरीके से खिसक गई है नीचे की, और इसके कारण पूरा का पूरा हाईवे जमीन के भीतर चला गया है। मार्ड के बस डिपो में जिस तरफ देखिए, दिल दहला देने वाला मंजर ही नजर आ रहा है। डिपो का ऑफिस बारिश के बाद आई बाढ़ के पानी में तबाह हो चुका है और गाड़ियां इमारतों की दीवारों पर या एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नजर आ रही हैं। ये डिपो के पास की तस्वीर है, जहां पर करीब 6 से 7 फीट ऊपर पानी था और उसके कारण यहां पर सब जगह तबाही की तस्वीरें ही आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये महाड़ का एसटी डिपो है, यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट का डिपो है। ये तस्वीरें देखिए, ये एसटी डिपो में खड़ी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस की स्थिति, यहां पर चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो घास है, घास का हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, साथ ही साथ पूरी तरीके से कांच टूट गया है। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के चिपलून में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश के बाद शहर समंदर में तब्दील हो गया है। सड़कों, घरों, दुकानों, हर जगह पानी भरा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें शहर में लोगों के रेस्क्यू में जुटी हैं। ये बताएं कि कितने लोग अभी भी अंदर हैं? अंदर उस साइड के साइड में हम लोग का बोट नहीं जा रहा है, उस साइड में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। उस साइड में अभी लोग जो फंसे वो अभी फिलहाल तो सेफ है। अभी हम लोग इधर से जितने आदमी लोग थे उतना 20-25 लोग को हम लोग बाहर निकाले। दूसरा बोट था उसमें से हम लोग 100-150 आदमी को हम लोग बाहर निकाले। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर का मंजर है। चारों तरफ शहर की सड़कों पर पानी भरा नजर आ रहा है। जिस तरफ नजर दौड़ाइए शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोल्हापुर के चिखली इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से राज्य के कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र के हालात जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और केंद्र से हर संभव मदद देने का प्रयास किया। फिलहाल महाराष्ट्र के कई जिलों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ नेवी और सेना की टीमें भी बचाव और राहत कार्यों में जुटी। और अब बात राज कुंद्रा पर लगे आरोपों की। राज कुंद्रा पर लगे आरोप की जांच अब उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी तक पहुंच चुकी है। आज मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पहली बार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की। क्राइम ब्रांच की टीम ने शिल्पा शेट्टी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस टीम शिल्पा से ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्हें राज कुंद्रा के इस गोरख धंधे के बारे में कोई जानकारी थी या नहीं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस अपनी तफ्तीश के दौरान फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बैंक खातों की भी जांच कर सकती है। क्राइम ब्रांच ने की राज कुंद्रा के घर रेड। कुंद्रा को साथ लेकर गई पुलिस टीम। पोर्न फिल्म मामले में शिल्पा शेट्टी से पूछताछ। कुंद्रा की डर्टी पिक्चर अभी बाकी है। मुंबई के मड इलाके के ग्रीन पार्क बंगले से राज कुंद्रा के डर्टी पिक्चर कनेक्शन की तहकीकात करती मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम 21 जुलाई को जोगेश्वरी में उसके ऑफिस को खंगालने के बाद 23 जुलाई को राज कुंद्रा के इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी रैकेट की तफ्तीश करती हुई जुहू में उसके घर तक पहुंच गई। छापे के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के साथ राज कुंद्रा भी मौजूद थे। छापे के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने पॉर्न फिल्म मामले की तफ्तीश के दौरान राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की। दरअसल पुलिस शिल्पा शेट्टी से ये जानने की कोशिश कर रही है कि पैसों का ट्रांजैक्शन शिल्पा शेट्टी के बैंक खाते से भी हुआ है या नहीं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बैंक खातों की भी जाँच कर रही है। पूछताछ के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा से सवाल पूछे कि क्या शिल्पा को नहीं पता था कि कुंद्रा का कारोबार क्या है। लॉकडाउन में भी राज रोजाना लाखों रुपए कैसे कमाते रहे। वियान कंपनी से शिल्पा का क्या वास्ता है। पॉर्न मूवी बनाने की जानकारी शिल्पा को थी या नहीं। क्या शिल्पा ने कभी राज से हॉटशॉट्स ऐप की या उसके जरिए वो कौन सा कारोबार चला रहे हैं इसकी जानकारी ली।
मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा की बैंक खाते की तफ्तीश के समय कुछ खुलासे सामने आए हैं। जहां पर क्राइम ब्रांच की माने तो उनका ये मानना है कि राज कुंद्रा ये सारा पैसा सट्टे में भी लगाते थे। पॉर्न फिल्मों से होने वाला मुनाफा सट्टे में लगाया जाता था। राज कुंद्रा के 19 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद कुछ डाटा डिलीट कर दिया गया था। मुंबई पुलिस अब उस डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट की तफ्तीश के दौरान उसके हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि राज कुंद्रा ने ऑनलाइन बेटिंग यानी सट्टा भी खेला है। पुलिस को शक है कि पॉर्न फिल्मों से कमाए पैसों का इस्तेमाल बेटिंग के लिए किया गया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि 21 जुलाई को कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद बहुत से डेटा डिलीट कर दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस डिलीट किए डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। राज कुंद्रा पर लगे आरोप की तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ एक और व्हाट्सएप चैट लगी है। पुलिस का कहना है कि अश्लील फिल्मों के गोरख धंधे को चलाने के लिए रोजाना ग्रुप बनाए जाते थे, यानी जिस दिन का शूट होता था उस दिन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते थे। ऐसे ही बनाए ग्रुप की चैट न्यूज 18 के हाथ लगी है। इसमें एक मॉडल के नाम के साथ न्यूड शब्द इस्तेमाल किया गया है। इस ग्रुप पर हुई चैट के मुताबिक हॉटशॉट से मितुल नाम का एक शख्स ग्रुप पर जुड़े सभी एक्टर को बताता है कि सोमवार को शूट फाइनल हुआ है और फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी इसी ग्रुप में जुड़ी है। एक आर्टिस्ट जानकारी के लिए उसे शुक्रिया लिखता है। इस तरह 1 नवंबर को बने एक ग्रुप जिसमें कई लोग समेत एक न्यूड मॉडल को भी टैग किया गया था, उनसे बातचीत हुई थी। इस चैट के मुताबिक हॉटशॉट से जुड़ा एक शख्स मैसेज करता है कि मितुल से पेमेंट क्लियर कर लें और कंफर्म होने के बाद उसे इत्तला दें। जवाब में मितुल लिखता है कि शूट कैंसिल हो गया है और अगली तारीख जल्द बताई जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये वो सारे सबूत हैं जिनकी बदौलत कानून का शिकंजा राज कुंद्रा पर कसता जा रहा है। दरअसल अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में फरवरी 2021 में गहना वशिष्ठ को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और क्राइम ब्रांच के मुताबिक गहना की गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा घबरा गए थे और राज कुंद्रा ने खुद को बचाने के लिए वियान कंपनी के सर्वर से 2 TV डेटा डिलीट किया था। फिलहाल पॉर्न फिल्मों के काले कारोबार में मुंबई क्राइम ब्रांच की तफ्तीश जारी है और क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि इस गोरख धंधे से जुड़े कई राज अभी बेनकाब होने बाकी हैं। और अब बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तिब्बत दौरे की। आज शी जिनपिंग ने अचानक तिब्बत दौरा किया। शी जिनपिंग चीन के पहले सर्वोच्च नेता हैं जिन्होंने तिब्बत का आधिकारिक दौरा किया। LAC पर चीन और भारत के बीच शी जिनपिंग के इस अचानक किए दौरे पर अब सवालिया निशान जरूर लग गए हैं। शी जिनपिंग ने किया तिब्बत दौरा, क्या है शी जिनपिंग के तिब्बत दौरे का राज? LAC पर क्यों आए शी? LAC पर भारत और चीन के तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अचानक अरुणाचल प्रदेश से सटी तिब्बत सीमा का दौरा किया। 2012 में चीन की सत्ता संभालने के बाद पहली बार शी जिनपिंग तिब्बत की आधिकारिक यात्रा पर आए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिंगुआ के मुताबिक शी जिनपिंग ने अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के निंगची शहर का दौरा किया। LAC पर चल रहे तनाव के बीच जिनपिंग का ये दौरा चौंकाने वाला है। चीन ने पिछले साल जून महीने में लद्दाख से सटी LAC पर डेरा डाला था और तभी से दोनों देशों के बीच LAC पर तनाव बरकरार है। दरअसल चीन अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताकर उस पर अपना दावा करता रहा है और भारत ने चीन के इस दावे को हमेशा खारिज किया है। इसके अलावा LAC पर भारत और चीन के तनाव के बीच चीन अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा हुआ है। जानकारों का मानना है कि शी जिनपिंग शायद इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने और चीन सेना का मनोबल बढ़ाने के इरादे से तिब्बत आए थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के पहले नेता बन गए हैं जिन्होंने तिब्बत का दौरा किया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि चीन का सर्वोच्च नेता यानी शी जिनपिंग भारत की लगती सीमा का दौरा करते हैं और चीन इसकी जानकारी भारत को नहीं देता। लिहाजा ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या चीन
एलएसी पर भारत के खिलाफ कोई नई साजिश रच रहा है? आखिर शी जिनपिंग के तिब्बत आने का मकसद क्या था? फिलहाल तो शी जिनपिंग का तिब्बत दौरा एक राज ही बना हुआ है, लेकिन ये भी तय है कि अगर उसने फिर एलएसी पार करने की कोशिश की तो भारतीय सेना एक बार फिर उसे उसकी हिमाकत का माकूल जवाब देगी। चीज़ नहीं करनी चाहिए।